हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रभारी मंत्री व विधायक लोढ़ा ने शिविर में सुनी ग्रामीणों की समस्या। प्रभारी मंत्री ने प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर का किया अवलोकन। जिले के प्रभारी मंत्री एवं सरकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने मौजूद अधिकारियों से कहा कि आम जन की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित कर उन्हें राहत देना इस प्रशासन गांव व शहरों के संग अभियान 2021 का मुख्य लक्ष्य है। वे आज प्रशासन गांव के संग अभियान तहत लगे पंचायत समिति शिवगंज की ग्राम पंचायत कलदरी शिविर का अवलोकन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सबका उत्तरदायी है कि इस मौके पर पूरे मनोयोग से जनता के कार्य करें। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ने, भूमिहीनों को भूमि आवंटन का काम सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए, शिविरों में आने वाले वृद्ध जनों, दिव्यांगों आदि की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुने एवं तत्काल राहत पहुंचाए। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में लगातार प्रदेश विकास की बुलंदियों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि आम जन को लाभान्वित करने के लिए प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान के तहत शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। शिविर में 22 विभाग साथ बैठकर काम कर लोगों की समस्याओं को दूर करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान से जुड़े विभाग के अधिकारी एवं कार्मिक पूरी तैयारी, गंभीरता एवं सेवा भाव के साथ लोगों के कामों को पूरा करें। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। सिरोही में मेडिकल कॉलेज स्वीकृति एवं निर्माण कार्य शुरू करवाना, उन्होंने एक से बढ़कर एक विकास के ऐतिहासिक कार्य को स्वीकृत कराए। उन्होंने कहा इन गांव के आधारभूत सुविधाएं मुहैया हो और संसाधनों की कमी नहीं रहे, ऐसे प्रयास किए जाएंगे तथा जो मुख्यमंत्री सलाहकार संयम लोढ़ा ने दो मांगे रखी है उसका निश्चित ही दोनों मिलकर समाधान करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने कहा कि 2 अक्टूबर से प्रशासन गांव एवं शहरों के संग अभियान की शुरुआत हुई। उस समय राजस्व विभाग के पटवारी RI अवकाश पर चले गए थे जिससे शुरुआती शिविरों में कठिनाइयां हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अपील पर पुनः काम पर लौट आए जिससे अब अभियान गति पकड़ चुका है। उन्होंने कहा कि जिन जिन गांव में आबादी भूमि जनसंख्या की तुलना में कम है उस सभी गांव में आबादी भूमि का आवंटन किया जाए। प्रभारी मंत्री से 2 विशेष मांग जिसमें राजपुरा बालदा कलदरी रोड एवं बोकले भागली में विद्युतीकरण के लिए का निस्तारण करवाया जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कालूराम खोड़ ने कहा कि 2 अक्टूबर से लगातार प्रशासन गांव एवं शहरों के संग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की संकल्पना के साथ गांव के व्यक्ति की समस्या का समाधान गांव में ही होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ 22 विभागों के अधिकारी गण प्रत्येक कार्य दिवस पंचायत मुख्यालय पर जाकर पूरे जिले में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सभी विभाग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उनका निस्तारण करेंगे तथा जो शेष रह जाएंगे उसका फॉलो अप शिविर में निस्तारण करेंगे तथा एक भी आवेदन शेष नहीं रखेंगे। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी भागीरथ विशोई, उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी, विकास अधिकारी प्रमोद दवे, पुलिस उप अधीक्षक मदन सिंह, सरपंच कमोरी देवी, जनप्रतिनिधि गण, अचलाराम माली, हेमलता शर्मा, प्रकाश मीना, भलाराम, हेमाराम, मुकेश राणा इत्यादि मौजूद थे। जागरूक टीवी की पोसालिया से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।